दूसरे पारी के मतदान में शेष कुछ दिन ही बचे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसी बीच सादा से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी बसंत अग्रवाल के कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को जनसंपर्क के माध्यम से विशाल रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। आपको बता दें, जब बसंत अग्रवाल की रैली उनके क्षेत्र थान खमरिया पहुंची तो उनके समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। उनके समर्थन में आए लोगों को देखकर लगा जैसे बसंत अग्रवाल ही नहीं बल्कि साजा की जनता भी कहीं न कहीं अपने निर्दलीय प्रत्याशी को ही अपना विधायक देखना चाह रही हो। इसी बीच क्या कुछ कहा बसंत अग्रवाल ने, देखिए विस्तार से। दोनों बुजुर्ग अब सियान हो गए हैं, उनको आराम कराना जरूरी है। अब जवान बेटा आया है, काम करेगा। परिवर्तन की लहर है। साजा धमदा विधानसभा में इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। निश्चित रूप से खड़ा उतरूंगा। युवा हूँ, नई सोच है, नया विचार है, उतरूंगा। वो तो तीसरे नंबर में मुझे नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है लाभचंद जी कहीं चौथे नंबर मत आ जाएं। बहुत खराब स्थिति है उनकी। अब देखिए, बाकी समय बताएगा। टमाटर की फैक्ट्री लगाने के लिए लाभचंद जी कहे थे, लेकिन आज तक टमाटर की फैक्ट्री लगी नहीं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। शौचालय के पैसे लोगों को मिले नहीं, प्रधानमंत्री आवास के पैसे एक किस्त मिली दूसरी किस्त मिली नहीं। सरकार दारू बेच रही है, तो सरकार दारू बेच रही है, दारूबंदी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे पास है। हम लोग चाहते हैं बसंत भाई को जिताना, इस क्षेत्र की मांग है, हमारा युवा नेता होना चाहिए। अब बसंत अग्रवाल स्थानीय है, अब जनता की मांग है स्थानीय और युवा होना चाहिए। इधर परिवर्तन की लहर है। 40 साल से जब रविंद्र चौबे जी ने यहाँ राज किया तो जंगल राज था, और बचा खुशी कसर रामचंद्र बापना ने 5 साल में पूरी कर दी। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोग, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, सब लोगों में काफी उत्साह है, काफी उमंग है। इस बार अब की बार हमारे स्थानीय प्रत्याशी बसंत अग्रवाल। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।